अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर। कुड़ियों ने आज हम गए थे कुछ खाने बाहर, तो बच्चों को चाहिए था स्टारबक्स से कुछ चीज़ें चाहिए थी। वहाँ से मोस्टली कॉफ़ी मिलती है, ज़्यादा चीज़ें तो मिलती नहीं हैं खाने की, लेकिन मतलब बच्चों के खाने की ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, मगर मेरे बच्चों को बहुत शौक है क्योंकि उनकी टीचर्स कॉफ़ी लेती हैं और इसलिए उनको बहुत शौक है। तो स्टारबक्स जाने के बाद अब हम गए मैकडॉनल्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये सिर्फ ड्रिंक्स ही लें, कोई चीज़ खा लें ताकि मुझे घर जाके बनानी ना पड़े, इसलिए फिर मैं इनको मैकडॉनल्ड लेके गई। साथ ही है घर के बिल्कुल भी कोई और चीज़ इनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो ज़्यादातर ये मैकडॉनल्ड जाना ही पसंद करते हैं। मैं ख़ुद भी जाना चाहती हूँ, वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मैं ऊंची ऊंची गाना गा रही थी, तो मैंने उसकी आवाज़ ही नहीं म्यूट की जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो जब मैं इसको सुनने लगी तो मेरी आवाज़ भी बीच गाने में आ रही थी, मैंने फटाफट वो म्यूट किया है। मैंने कहा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हैं, सब तो बेहोश हो जाएंगे मेरा गाना सुन के, मेरी आवाज़ सुन के। तो इससे पहले शुक्र करें कि आप लोगों को वो गाना सुनाई नहीं दिया, आप सब ने भाग जाना था यहाँ से, क्योंकि इतनी बुरी आवाज़ में फुल वॉल्यूम में मैं गा रही थी गाना। पता कौन सा गा रही थी? भीगा भीगा है समा। पता नहीं क्यों मैंने इतनी इसकी वीडियो देखी है ना, तो बस अब आजकल मैं यही गा रही हूँ बात बात पे, पता नहीं क्या हो गया मुझे ना। अच्छा जी, फिर हम पहुँच गए हैं मैकडॉनल्ड। इतना प्यारा साफ़ सुथरा देख के मेरा तो दिल खुश हो गया, मगर एक तरफ से सैड भी था कि कोई बंदा परिंदा भी नहीं था वहाँ पे खाने के लिए, सिर्फ हम थे या एक और फैमिली थी, वो भी चली गई थी। तो लोग मतलब कोरोना की वजह से बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आके बैठते, बड़ा ही उदास हो जाता है इंसान जाके वहाँ पे अकेले या बैठ के खाना खा के आ जाता। पहले तो जाते थे ऐसी रौनक लगी होती थी ना, बच्चे खेलते थे जाके, बड़ा ही अच्छा लगता था। अब देखें कोई भी नहीं नज़र आ रहा, कहीं भी नहीं नज़र आ रहा, सारी सीट्स खाली हैं, तो हम अकेले ही खाना खा के लुडियाँ डालते खा रहा आगे। तो अभी मैंने ऑर्डर कर दिया था, बाहर जो ड्राइव थ्रू था वहाँ पे काफ़ी लाइनें लगी हुई थी, तो फिर हमने तो बस ऑर्डर किया और लेके चीज़ें बैठ के, जिसको जो पसंद था मैंने बच्चों से कहा कि वो अपनी पसंद बता दें ताकि हम वही चीज़ ले सकें। घर जाके मैनू मैं क्या ना कहना कि मैनू रोटी पका दे, सानू फलानी शह बना दे, मैं क्या इतों ही खा लो जोड़ा खाना दे। जे किसी ने घर जाके कुछ शह मंगी ना, मैं उत्थे मैं क्या सोटी फाड़ लैनी जी। ये लोग ऐसे करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी खाना खाते हैं, गाड़ी में बैठती भूख बड़ी लगी है, हाई सही से खाया ही नहीं, उदो मेरा दिल करता है कोई मैं ना अपने सिर च कुछ शह मार लूं। सच्ची बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा गुस्सा आता है, तो इसलिए मैं इनको कह रही थी खा लें, अगर नहीं खा रही तो अपना रख लें सैंडविच, सेव कर लें जाके, यही खाना है। मैं क्या मैं कौन जो पकाना, मैंने भी छुट्टी दियो कितने, कैसी है ना रूटीन माओं की है ना, सारा दिन पका पका के खाने, घर साफ करके, हाय मासियाँ ही हो गए हैं सच्ची, क्या दिन थे बेफिक्री के। ते हूँ, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।